रोहिंग्याओं के नाम पर राजनीतिक दुकान खोलकर बैठे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रक्रिया पूरी कर जम्मू कश्मीर से पकड़े गए रोहिंग्या म्यांमार डिपोर्ट किए जाएं। प्रशांत भूषण की याचिका खारिज। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, देश अवैध शरणार्थियों की राजधानी नहीं बन सकता। TFI पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कैसे प्रशांत भूषण समेत रोहिंग्याओं को भारत में ही बसाने की सोचने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध शरणार्थियों का विषय हमेशा ही देश की राजनीति में ज्वलंत मुद्दा रहा है। भारत सरकार इस मसले को लेकर एक ही नीति पर चली है कि प्रक्रिया के तहत देश में पैर जमाए बैठे सभी रोहिंग्याओं को वापस भेजा जाए। सरकार की इसी नीति पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाते हुए साफ कहा है कि जल्द से जल्द एक निश्चित मानवीय सहज प्रक्रिया के तहत देश से रोहिंग्या शरणार्थियों का प्रत्यर्पण शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी लोगों के लिए झटका है जो कि इस मामले में मुस्लिमों के नाम पर राजनीतिक दुकान खोलकर बैठे थे। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर से पकड़े गए रोहिंग्या शरणार्थियों का म्यांमार प्रत्यर्पण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर देश में एक खास वर्ग इस मुद्दे पर बयानबाजी करने में लगा हुआ है। ऐसे में इन सभी का पक्ष रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर की थी, जिसे निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई है और प्रक्रिया के तहत प्रत्यर्पण शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या के मुद्दे पर साफ कहा है, कैंप में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को तब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक निर्वासन की प्रक्रिया का पालन न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर होल्डिंग सेंटर में प्रशासन की गिरफ्त में रह रहे रोहिंग्या समुदाय के लोगों को रिहा नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला 26 मार्च को ही सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में सलीमुल्ला नामक रोहिंग्या प्रतिनिधि की याचिका पर संपूर्ण पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत इन सभी रोहिंग्याओं को गिरफ्तारी से आजाद किया जाना चाहिए। इनका म्यांमार में प्रत्यर्पण किया जाना इन सभी लोगों की जान के लिए खतरा होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन भी होगा, इसलिए कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कहा है कि रोहिंग्याओं से जुड़ा मामला देश की आंतरिक सुरक्षा में खतरे का परिचायक हो सकता है। सरकार कानून के तहत अपना काम कर रही है और भारत को किसी भी कीमत पर घुसपैठियों की राजधानी नहीं समझा जाना चाहिए। साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर अपने रुख पर अडिग है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रक्रिया के तहत रोहिंग्याओं को प्रत्यर्पित करने के मुद्दे पर रोहिंग्याओं को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिली है। कोर्ट द्वारा दिया गया ये फैसला उन सभी NGO और खासकर प्रशांत भूषण जैसे वकीलों के मुंह पर सांकेतिक तमाचा है, जो कि रोहिंग्या के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों का ध्यान आकर्षित करके ये दिखाना चाहते थे कि भारत में शरणार्थियों के खिलाफ अत्याचार जारी है। वहीं कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया के तहत एक एक घुसपैठिए को देश से बाहर फेंका जाए।